31 अगस्त की रात दुनिया के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। 31 अगस्त ये वो तारीख थी जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को खाली करने के लिए चुना था, लेकिन समय से पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से उड़ान भर ली और इसी उड़ान ने तालिबानियों को सत्ता का भोगने का अवसर दे दिया के। तो सत्ता भोगने का अवसर तालिबान को मिल गया के, पूरी तरह से कब्जा हो गया के। ये रिपोर्ट आप देखें। ये जश्न से भरा माहौल, ये गोलियों की तड़तड़ाहट, तस्वीरें उसी अफगानिस्तान से सामने आई हैं, जहां की आवाम आजकल डर और दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। डर और दहशत के माहौल के बीच जश्न की ये तस्वीरें तालिबानियों की हैं। और ये जश्न अमेरिका की वापसी का है, ये जश्न तालिबानियों की सत्ता में काबिज होने का है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक थी और अमेरिका वक्त के अनुसार अफगानिस्तान को खाली कर चुका है। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan in the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान सत्ता का भोग भोगने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, तो अमेरिका अपनी कूटनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए बेकरार है। अब अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन के बयान के बाद इस बात को पूरी तरह से समझ जाएंगे। Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. So here's our plan for the days and weeks ahead. First, we built a new team to help lead this new mission. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress. Given the uncertain security environment and political situation in Afghanistan, it was the prudent step to take. वतन वापसी के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सैनिक की फोटो भी पोस्ट की। अमेरिकी सैनिक की आखिरी फोटो तालिबानियों के लिए जश्न का माहौल लेकर आए, तो वहां पर रह रहे लोगों में तालिबानियों के बीच जिंदगी का संघर्ष करने की चुनौती छोड़ गई। इसके तुरंत बाद ही ये खबर भी सामने आई कि तालिबानियों ने काबुल के एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि रुक रुक कर बमबारी की खबर अब भी सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान में रह रहे लोगों का भविष्य क्या होगा, उनकी आजादी होगी या नहीं, क्योंकि अमेरिका इस देश से दामन छुड़ाकर बहुत आगे निकल चुका है और अफगानिस्तान में रह रहे लोगों की सहायता के लिए उनके वतन में कोई नहीं। हिमा शाही, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।